हेलो गाइस, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो बहुत फिर अपना निकल चुके हैं हम कोचिंग के लिए। बाकी जो भाई और आए हुए थे, भाई भाभी और माता श्री, वो तो अपना सुबह सुबह निकल चुके हैं। अपना 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे निकल चुके थे। और बाकी सारे जा चुके हैं अपने काम कामों पर। और एक भाई उनको छोड़ने के लिए गए हैं, सूर्या भाई। बाकी कल उन्होंने भी जाना है, उनकी भी फ्लाइट है इंडिया की। और कल अभी छुट्टी भी है, तो मैं भी सूर्य के साथ मैं जाऊँ वो छोड़ने के लिए। तो जैसा भी होएगा बताएंगे आपको। फिलहाल अब चलते हैं अपना कोचिंग सेंटर पे। बाकी आज थोड़ा सा उनका फंक्शन भी है, ठीक है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो फिलहाल लेके चलते हैं, अब सीधा मिलेंगे आपको कोचिंग पे। तो फाइनली गाइस, क्लास से फ्री होने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ अपना घर की तरफ। और मतलब क्लास में प्रॉपर, मतलब ये क्लास ख़त्म नहीं हुई थी, थोड़े से पहले निकल चुका हूँ मैं। क्योंकि जो अपना भाई जो सूर्य हैं, उनकी ना उनका फ़ोन आया था, उनकी जो फ्लाइट आज की है, फ्लाइट चेंज हो चुकी है उनकी। अभी उनके पास कॉल वगैरह आई थी, कॉल या ईमेल जो भी आया था मुझे नहीं पता, बट अभी उनके मेरे पास कॉल आई है कि घर आ जा और वहाँ जाना है, एयरपोर्ट पे फ्लाइट चेंज होगी। पहले फ्लाइट तो उनकी कल की थी, बट जैसे मैंने आपको बताया था सुबह, बट अभी उनका फ़ोन आया तो मैं भी निकल चुका हूँ। क्योंकि आज क्लास में कुछ हो भी नहीं रहा फिलहाल मतलब आज उनका कुछ प्रोग्राम है, तो उसके थोड़ा बहुत हर एक कंट्री का जैसे सॉन्ग्स होते हैं वो सुन रहे थे सारे बैठ के, तो उन्होंने उसमें लगा रखा था प्रोजेक्टर में, तो फिलहाल इसीलिए। और मैं भी निकल चुका हूँ अपना यहाँ से, तो मिलता हूँ आपको आगे घर पहुँच के। तो भाई मैं तो घर पहुँच चुका हूँ, बट जो सूर्य भाई हैं वो अभी आ रहे हैं, तो उनका सामान वगैरह पैक करना है। तो अभी उनकी कॉल आई थी कि वो वहाँ से बार को बैठ चुके हैं लिस्ट में से, वो सुबह गए हुए थे ना उनको छोड़ने के लिए, तो अभी वो आएंगे तो करते हैं उनके सामान की पैकिंग। क्योंकि उनकी जो फ्लाइट है मे बी 8 बजे की है, वो 8 बजे से आ रहे थे। और जो अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 4:45 हो चुके हैं, नहीं 4 बजे हैं अभी, 4:08 हुए हैं, मुझे लगा 4:45, तो 4:08 हुए हैं अभी। तो अभी करते हैं उनकी वेट, वो भी आने वाले हैं, तो उनके सामान की पैकिंग वगैरह जो थोड़ी बहुत रह रही है, बाकी तो ऑलमोस्ट हमने कर ही रखी है, तो जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है वो करते हैं, फिर उनके साथ जाते हैं, उनको छोड़ के आते हैं, फिर देखते हैं वो दोबारा कब आएंगे। मे बी उनकी माल की टिकट है। बाकी नेचर इनका बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अपने वहीं के कुछ तरह के किशनपुरा के रहने वाले हैं, ठीक है, तो अभी उनको आते हैं, अब वो आएंगे तो फिर मिलते हैं बाद में जब वो आएंगे, करते सामान की पैकिंग। तो फाइनली गाइस, भाई आ चुके हैं और हमने कर ली है सामान की पैकिंग, ठीक है। ये रहे उनका सामान, कुछ ये मतलब जैकेट वगैरह इनकी, ये जो डाल के जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं अपना
एयरपोर्ट के लिए, बारको स्टेशन पे फिलहाल, उसके बाद फिर एयरपोर्ट। अब भाई आपको ये मिलेंगे इंडिया, ठीक है, आपको कुछ क्षेत्र में किशनपुरा गांव, पिपली, और देखते हैं ये कब आएंगे, मे बी मार्च के एंड तक। तो जब भी आएंगे मिलवाएंगे, तो जब आएंगे दोबारा फिलहाल करते हैं इनको अलविदा, प्यार से, हैव अ सेफ जर्नी ब्रो। थैंक यू। तो फिलहाल अब मिलते हैं आपको बारको स्टेशन में पहुंचने के बाद। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना बारको स्टेशन पे, और हम यहां से जाएंगे आगे टैक्सी में, मतलब बाइक का फ्रेंड है वो आ रहे हैं, तो उनके साथ जाएंगे गाड़ी में। तो मिलते हैं आपको लिस्बन पहुंच के, मतलब ट्रेयर दो पाको अगले स्टॉप पे पहुंच के। तो गाइस मैंने भाई दोनों जा चुके हैं अपना गाड़ी में, उनके यादव साहब थे उनको लेने के लिए, उनके साथ यादव साहब उनकी फैमिली भी थी, वो कहीं से आए होंगे तो जाते उनको रास्ते में छोड़ देंगे। तो फिलहाल अब मैं जा रहा हूँ अपना घर पे, और फिर घर जाके करते हैं खाना खाने की तैयारी। तो मिलते हैं आपको घर पहुँच कर ही। तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ अपना घर पे, और घर पहुँचने के बाद अभी खाना पीना खा लिया है हमने, खाना पीना खा के अब करते हैं रेस्ट, करते हैं वीडियो एडिटिंग। तो अब मिलते हैं आपको किसी अब शानदार वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।